वीडियो में आपको समझाएंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी एक मन में क्वेश्चन चलता है कि आखिरकार ये न्यूक्लियस दिया हुआ है और ये हमारे शेल है, तो इलेक्ट्रॉन इन शेल में तो रिवॉल्व कर सकते हैं लेकिन न्यूक्लियस में रिवॉल्व क्यों नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं हो सकता है, यहां केवल प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, ये आप जानते हैं। ये क्वेश्चन मन को झकझोर देता है कि आखिरकार बहुत सारी थ्योरीज तो दी गई लेकिन एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो नहीं आपको मिल पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे और हाइजेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे, हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ये इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजिशन दोनों एक साथ पता किए जा सके। अगर हम पोजिशन पता करेंगे तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी मिलेगी, और अगर हम वेलोसिटी पता करेंगे तो पोजिशन में अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो ये क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये इनका एक फार्मूला था। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो डेल्टा एक्स यहां पर एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी पता कर लें कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूमना चाहता है तो उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए घूमने के लिए। तो यहां पर डेल्टा वी इक्वल टू कर लेता हूं, ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू ग्रेटर देन, तो एच अपॉन यहां पर 4 पाई, 4 पाई हो गया, एम इधर आ गया और डेल्टा एक्स। अब ये बताइए कि अगर एच की वैल्यू पता है 6.62 × 10⁻³⁴ होता है, यहां पर हो जाता है 4 पाई की वैल्यू 3.14 हो जाती है, एम की वैल्यू हो जाती है आपकी 9.1 × 10⁻³⁶, और अगर मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है 10⁻⁵ मीटर का होता है, तो यहाँ पर 10⁻⁵ मीटर रख देते हैं, और रखने के बाद जब हम लोग कैलकुलेशन करके लाते हैं तो ये कैलकुलेशन 5.1 समथिंग कुछ आती है इंटू 10⁻⁶, लगभग और लगभग मेरे हिसाब से 11-12 मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये वैल्यू लगभग 10 के आसपास में है, तो यहाँ 5.7 × 10 मीटर पर सेकेंड आती है। जबकि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए, तो लगभग न्यूक्लियस में घूमने के 200 times, लगभग नियरली ये 200 times आ रही है। इस वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, लगभग 200 गुना वैल्यू आ रही है। तो अब ये बताइए कि न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है तो उसको कितनी स्पीड से घूमना पड़ेगा। ये बात भी आपको सिद्ध हो जाती कि उसे स्पीड चाहिए जो लाइट की स्पीड है उससे 200 गुना स्पीड ज्यादा चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रुकता है तो। ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो मात्र कितनी है, वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि न्यूक्लियस में रुकने के लिए स्पीड कितनी चाहिए, 5.77 समथिंग आती है × 10⁻¹० मीटर पर सेकंड, जो 200 गुना ज्यादा है, और वो संभव है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रोकना है तो स्पीड उसकी 200 गुना ज्यादा हो एज कंपेयर टू द जो स्पीड इसकी उपस्थिति प्रेजेंट टाइम पर है, तो ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रुक सकता है ना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो सॉल्यूशन जिसको आप ढूंढ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस में रह सकता, इसका जवाब आपके पास मैथमेटिकली आ चुका है कि इसकी स्पीड 200, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाए तो 200 गुना स्पीड उसकी ज्यादा हो जाए तब रुकेगा, अन्यथा वो नहीं रुकेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब अब आपको मिल चुका है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का यह नया प्लेटफॉर्म रसायन पाठशाला का आपको दिलाएगा 100% सिलेक्शन इन डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। थैंक यू।